السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله والضلاله في النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وقال الله تبارك وتعالى अल्लाहसर्रजमईन इबादही व्ला हबिक नाजिबल वन ग्रामी गुज्त जमातुलमबारिक में हसद का तारफ़ उसकी मजम्मत और हासीद शख्स को दुनिया और आखिरत में किन नुकसान का सामना करना पड़ता है इस हवाले से चंद गुज़ारिशात हमने की थी तो इसी सिलसिले की ही दूसरी कड़ी आज इसी मौज़ की तकमील के लिए कि हसद के इसबाब क्या हैं हसद क्यों किसी शख्स के अंदर पैदा हो जाता है हसद कैसे जन्म लेता है और फिर इसके इतना कभी होने के बाद हम कैसे हासिद की शर से बच सकते हैं अल्लाह हर हरबुल्ज़त हमें हर तरह के ज़ाहरी और बातनी फितनों से महफूज फरमाए हसद के इसबा में से सबसे पहला सबब जिसकी मौजूदगी में किसी भी शख्स के अंदर हसद पैदा होता है सबसे पहले तो ये है कि वो शख्स अल्लाह के रज़ की तकसीम पर इतमान की वजह से और उस पर नाराज़गी की वजह से इस बात को तस्लीम और कबूल ही नहीं करता जिसकी वजह से उसके अंदर हसद जन्म लेता है अल्लाह हबुल्ज़त ने उसकी शान ये है कि सभी अपने बंदों को नवाजा है लेकिन बंदों में रज्क की तकसीम के हवाले से अल्लाह ताला ने दर्जा बंदी रखी है किसी को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा रिज्क दे दिया और किसी बंदे को अल्लाह ताला, ताला ने उसकी नस्बत जरा कम रिज अता किया क्योंकि रब ताला फरमाते हैं कि अल्लाह रिज अलीबाद ही अल्लाह ही अपने बंदों के रिस्क को कुशादा करते हैं वसी और फ़राह करते हैं इतना अल्लाह हबिक आलिम, अल्लाह हर चीज़ को बखूबी जानते हैं तो एक ऐसा शख्स जिसे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं दिया होता अल्लाह ताला ने उसको दरमियाने तबके में रखा होता है होना तो ये चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने दे दिया है वो अल्लाह की अता पे राजी हो जाए उस पर कनात करे और अल्लाह ताला का ज्यादा से ज्यादा शुक्र अदा करे अगर वो मजीद का भी तलबगार है तो उसको चाहिए कि वह रब के सामने दस्ते दुआ को दराज करे अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाए अल्लाह ताला के सामने जबीन न्याज को खम करे अल्लाह के हजूर गिड़ गिड़ा कर दुआएं मांगे तो अल्लाह ताला यकीनन अपने बंदे के रिज में फरावानियां पैदा फरमा देने पर कादिर भी हैं। लेकिन जब ऐसा शख्स ये देखता है कि मेरा ही रिश्तेदार मेरा ही पड़ोसी मेरा ही मोहल्ले में रहने वाला शख्स को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता लेकिन इसके बावजूद वह मुझसे कई गुना ज़्यादा माल कमा रहा है उसके पास रुपया पैसा बहुत ज़्यादा है तो इस बात की वजह से उस आदमी के दिल में हसद पैदा होने लगता है और वह उस आदमी को बुरा ख्याल करने लगता है दूसरी वजह ये है कि तकबुर और खुद पसंदी। एक आदमी अपने आप के में तकब्बर का शिकार है और इस वहम में मुबतला हो गया है कि मैं सभी इंसानों से बेहतरीन आदमी हूँ मैं सबसे आला हूँ बकिया सभी जो इंसान हैं वो कमतर हैं और वो ये ख्याल करता है कि चूँकि मैं आला हूँ और हर नेमत का मुस्तहिक भी मैं हूँ और हर नेमत मुझे मिलनी चाहिए और लोगों को हकीर हकीर ख्याल करता है और उसकी ये काविश होती है कि जो हकीर लोग हैं उनके पास नेमते नहीं होनी चाहिए लेकिन मुआशरे के अंदर जब वो इसके बरअक्स मामला देखता है उसकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ मामला चल रहा होता है कि उसको बहुत ज़्यादा नेमते नहीं दी गई होती लेकिन दूसरे कई इंसानों को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा फजल से नवाज़ा होता है तो इस तकबर की वजह से उस आदमी के दिल में दूसरे शख्स के बारे में हसद जन्म ले लेता है इसीलिए रब ताला फरमाते हैं कि इन नाहबुल मुस्तबरी अल्लाह ताला तकबर करने वालों को पसंद नहीं करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी जिसके दिल में राई के दाने जितना भी तकबर पाया गया वो अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा एक आदमी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल थौबुहु हसनन व हसन प्यारे नबी एक आदमी इस बात की ख्वाहिश रखता है कि उसका लिबास बेहतरीन हो उसका जूता साफ सुथरा हो और साफ शफाफ हो बेहतरीन लिबास पहने उसका पहनना खाना पीना अच्छा होना चाहिए तो अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन तमील युब्बुलजमाल अल्लाह तूबसूरत है और ये खूबसूरती की अमत हैं और अल्लाह ताला ऐसी खूबसूरती को पसंद करते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी नेमत को अपने बंदे पे नाजिल किया है बंदे को नेमत से नवाजा है तो उस नेमत के आसार उसकी ज़ात पे नज़र आने चाहिए फरमाया कि अलकिबा रुल हक वगम तो तकबर असल में इस बात का नाम है कि इंसान अपने आप को अफजल समझे लोगों को अपने आप से कमतर समझे और हकीर जाने लगे और हक बात आने के बाद उसको कबूल ना करे उसको ठुकरा देना पसे पुष्त डाल देना ये मतकबर आदमी की अलामत है और जिस आदमी में ऐसी अलामत पाई गई वो जन्नत में नहीं जा सके तीसरी वजह यह है कि हासिद महसूद से जिससे हसद किया जाता है उसे महसूद कहा जाता है हासिद शख्स किसी भी शख्स से दिली तौर पे जब दिल में नफरत पाल लेता है उसके दिल में किसी भी आदमी के बारे में जब बुगस जन्म ले लेता है तो वो जितना मर्दी अच्छा आदमी हो वो जैसा तैसा भी खाता पीता आदमी है लेकिन हाशिद आदमी जो है जिसके दिल में हसद की कलक और मर्ज जो है वो पैदा हो चुकी है जरासीम बेदार हो चुके हैं वो अपने बुगज और हसद की वजह से वो चाहता है कि इसको मुआशरे के अंदर मैं हमेशा नीचा ही दिखाऊं उसकी ख्वाहिश ही होती है कि मैं इस शख्स को जिसके साथ मेरी अदावत है बुगज है इसको मैं अपने आप से कम तर ही रखूं और इसको मैं किसी भी मामले के अंदर आगे ना बढ़ने दूं लेकिन जब वो ये देखता है कि वो अल्लाह की अताकर्दा सालातों पर और अल्लाह त अता करदा रहमत की, की वजह से वो मुशरे में तरक्की पा रहा है और लोग भी उसको हाथों हाथ ले रहे हैं लोग उसको तरजीह देते हैं फोकियत देते हैं तो इस बुगज़ की वजह से उस शख्स के दिल में उस आदमी के बारे में हसद पैदा हो जाता है इसीलिए रसूल अल्लाह ने अपनी उम्म की ये दर तरबियत फरमाई है फरमाया कि फरमायादू वाल तबागतू किसी मुसलमान से हासद ना करें किसी मुसलमान के बारे में दिल में बुगस और कीना पैदा ना होने दें इसके बारे में गुजश्ता जुम्मे में हम अच्छी वजाहत कर चुके हैं और जब कोई आदमी किसी के बारे में दिल में बुगस पाल लेता है तो उस बुगज़ की वजह से खुद ब खुद उसके दिल में नफरत के इंतकाम जन्म नफरत पैदा होने लगती है और नफरत ही आहिस्ता आहिस्ता इंसान को हसद की तरफ ले जाती है चौथा सबब किसी भी शख्स के अंदर हसद पैदा होने का कि वो आदमी मुआरे के अंदर अपनी दाख बिठाना चाहता है फोकियत चाहता है बर्तरी चाहता है और अपने इस तफवुक तफवुक और बर्तरी की वजह से वो ये चाहता है कि मेरा सानी नहीं होना चाहिए हर मामले में मैं लाजवाब समझा जाऊं, तो इस वजह से भी बाज़ लोगों के अंदर हसद जन्म ले लेता है एक आदमी को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहितों से नवाजा है और वो उन सलाहितों की बुनियाद पे अपने दोस्त अहबाब में अपने मोहल्लेदारों में या अपने ख़ानदान के अंदर आम लोगों पे उसको अल्लाह फौकियत दे देते हैं बसाकत ऐसा भी होता है कि एक आदमी उम्र में छोटा होता है लेकिन उसके इलम की वजह से रब की अताकर्दा सलाहितों की वजह से माशरे के अंदर खानदान में घर के अंदर उसकी राय को अहमियत दी जाती है और उसको घर का बड़ा अहम तरीन जो है वो रुकन समझा जाता है लेकिन कोई भी आदमी जब वो देखता है उसके दोस्तों में से उसके खानदान के लोगों में से हती के उसके अहले खाना में से अगर कोई लोग शदीद कोशिश करने के बावजूद भी किसी भी मैदान में उसको शिकस्त से दो चार नहीं कर पाते उसका मुकाबला नहीं कर पाते तो फिर वो खुद ब खुद ही हसद पर उतर आते हैं तो ये बर्तरी का जो शौक है कि मैं अपने आप को खानदान में मुशरे के अंदर बड़ा साबित करूँ तो इस दौड़ में भी इंसान बसाका जो है वो हसद का शिकार हो जाता है पांचवा सबब हसद पैदा होने का वो ये है बस औकात इंसान किसी जाहो मनसब के चक्कर में किसी और मनसब के लालच की वजह से भी किसी शख्स के साथ हसद करने लग जाता है कोई शख्स इस बात का ख्वाहिशमंद है कि मैं अपने माशरे में किसी आला पोस्ट पे फायज हो जाऊं अपने खानदान में मेरे जैसा रुतबा किसी को ना मिले लेकिन जब वो देखता है कि मुआरे के दीगर चंद और अफराद हैं जो मुझसे भी ज्यादा तरक्की कर चुके और वो अच्छा खा, कमा रहे हैं अच्छा खा भी रहे हैं बेहतरीन लिबास जेबतन करते हैं और उनको बेहतरीन जो है वो अहदा और मनसब अता कर दिया गया है तो इसदा और मनसब के लालच की वजह से वो शख्स उसके साथ हसद करने लग जाता है रसूल जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए रईस था सरगुन्ना था अब्दुल्ला उसकी अलैहि सल सल्लम से अदावत आपके साथ इख्तलाफ की जो बुनियादी वजह थी वो यही थी कि वो आपकी आमद से चंद लम्हे चंद गड़ियाँ चंद अजाम पहले मदीना का सबसे बड़ा सरदार बनने के करीब करीब था और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई उसकी वो सरदारी जो है वो खाक में मिल गई इस और मनसब की वजह से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदावत पर उतर आया मक्का के जितने वडेरे थे कुरैश के जितने सरदार थे रसूल सल्लाम के साथ अदावत आपके साथ इख्तलाफात की जो सबसे अहम तरीन वजह समझ आती है वो यही मामला था कि उनको अपनी सरदारियां जो है वो छीन जाने का खौफ लाक था जिस वजह से रसूल सल्हलम के साथ हसद और नफरत पर उतर आते थे और छठा सबब माल और दौलत का हसूल माल और दौलत को ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने के लिए माल और दौलत को ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की दौड़ दूसरे मुसलमान के बारे में इंसान के दिल में हसद पैदा कर देती है हर आदमी इंसान की सिफ्त है इंसान की फितरत है कि माल से शदीद मोहब्बत करता है दौलत को अपनी ज़ात के लिए बहुत ज़्यादा पसंद करता है और ये को मेरी बात नहीं रब ताला फरमाते हैं वह इन हब्बिल खैरी ला शदीद इंसान माल की मोहब्बत में शदीद गिरफ्तार हो चुका है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लो कान लिब्न आदम वादियान मिन माल लबतगा सालिसन दो पहाड़ों के दरमियान जो हिस्सा होता है उसे वादी कहा जाता है फरमाया कि किसी आदमी को दो वादियां भर के माल की दे दी जाए पहाड़ों का दरमियानी जो हिस्सा है वो माल इतना ज्यादा उसको दे दिया जाए और बाद रिवायात के अल्फाज हैं कि इतना ज्यादा किसी को सोना दे दिया जाए इंसान इस कदर हरीस है लालची है कि वो दो वादियां सोने और माल की होने के बावजूद मजीद तीसरी वादी के हसूल के लिए भी कोशिश करेगा और उसके अंदर भी ख्वाहिश पाई जाएगी और फिर आपने फरमाया कि आदम इल्लत तुराब आदम के बेटे का पेट जो है वो सिर्फ कबर की मट्टी ही भर सकती है दुनियावी माल जितना ज्यादा इंसान को मिलता जाता है इंसान की हिरस और हवस मजीद परवान चढ़ती जाती है माल से इंसान कभी भी सैराबी हासिल नहीं कर सकता माल से कभी भी इंसान खुश नहीं हो सकता जितना मिलता जाएगा वो उसको कम ही समझेगा मजीद उसकी हिरस और तमे के अंदर इजाफा हो जाएगा और जब इंसान ये देखता है कि माल और दौलत जो है वो मुझसे ज्यादा कमा रहा है माल और दौलत की जमा करने की दौड़ में वो मुझसे आगे निकल रहा है ऐसा तो शख्स उस कारोबारी आदमी के साथ या उस ताजर के साथ हसद का शिकार हो जाता है एक क्लास में पढ़ने वाले एक उस्ताद से पढ़ने वाले दो स्टूडेंट हैं हर आदमी की जहनीय एक जैसी नहीं है हर आदमी को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहितों से नवाजा है एक बच्चा जो है वो मेहनत करके कामयाबियों को हासिल कर लेता है और दूसरा बच्चा जो है वो उस कदर कामयाबियां नहीं समेट पाता तो जब वो नाकामिया सामने देखता है या बहुत सारी हसरतें उसके दिल में जन्म लेती हैं और दम तोड़ जाती है तो फिर वो दूसरे अपने दोस्त अपने क्लास फेलो के बारे में जो है वो हसद का शिकार हो जाता है तो ये आगे बढ़ने की जो दौड़ है दुनिया में आगे निकलने की जो दौड़ है उसकी वजह से इंसान में बसावकात हिरस और लालच और तमे की वजह से हसद जन्म ले लेता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हसद से डराते हुए अपनी उम्मत को दर्स यह दिया कि फवल्लाहि मल फकर अख्शा अलैकुम अल्लाह की कसम मैं अपनी उम्मत के फकर और फाके में गुरबत में मुब्तला होने का डर नहीं रखता मुझे इस बात की परवाह नहीं है मुझे इस बात का खदशा लाहक नहीं है कि मेरी उम्मत जो है वो फकर फाका में और अफलास का शिकार होके भूखी मर जाएगी फरमाया कि वाली दुनिया का मत कबल कू अल्लाह की कसम सबसे ज्यादा अपनी उम्मत के बारे में जिस बात के बारे में मैं रंजीदा हूँ, जिस बात का खदशा लाक होता है वो ये है कि अल्लाह तला दुनिया के दरवाजे दुनिया के दाने खजानों के तुहारे पर खोल देंगे कैसे तुमसे सबका उमते जो है वो उनको दुनिया बड़ी अता की गई फतना फसू और तुम भी दुनिया को हासिल करने के लिए दौड़ लगाओगे एक दूसरे को मात दे के आगे निकलने की कोशिश करोगे जैसे सबका कौमों के अंदर होता रहा और दुनिया व तुहलिकुम कमाकत हूँ दुनिया तुम्हें भी वैसे ही हलाक कर देगी जैसे सबका قومें तबाह बर्बाद हो चुकी जनाबी अब्दुल्लाह इब्ने अमरु बिन अल आश्रदी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से सवाल किया कि इज़ा फतिहत अलैकुम फारिस व रूम जब रोम और फारिस फतह हो जाएगा और उसके खजानों के दरवाजे तुम पर खोल दिए जाएंगे

और अल्लाह का हासिल करने के लिए मजीद उसके सामने दस्ते होगा खिलाफ मामला होगा फिर आपने फरमाया कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जब दुनिया के खजानों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे ततना फसूना तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत इतनी पैदा होगी कि तुम एक दूसरे को मात दे के आगे निकलने की कोशिश करोगे और इस वजह से सुम्मतता तुम अपने दूसरे मुसलमान भाइयों से हसद करने लगोगे सुमतर तुम एक दूसरे की गीबत और चुगलियां करोगे जिसकी वजह से कता तालुकियां पैदा होंगी सुमतून और इन क़ाता तालुकियों की वजह से तुम्हारे दिलों में दूसरे मुसलमानों के बारे में बुगस पैदा होगा अविग या इस तरह की दीगर खुराफात और बुराइयां तुम्हारे दिलों में पैदा हो जाएंगी सुतन तलिक मसाकिन महाजरीन फ़तेज अलू नबा तो बाग फरमाया के फिर ऐसे हालात भी बाद लोगों में पैदा होंगे वो अपने ही मुसलमान भाइयों की गर्दने मारने से कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे यह भी चंद दिन पहले की बात है ये मरीद के वाली साइड पे पंक्चर लगाने वाले दो भाई एक ने दूसरे को कुल्हाड़ियां मार मार के कत्ल कर दिया अखबार से आप वाकिफ हैं और मीडिया हर आदमी की पहुंच में है मुआशरा उसकी आए रोज मीडिया जो है वो उसकी अक्कासी करता है मिसालें देने की जरूरत नहीं है कि आज माल की मोहब्बत में हम किस कदर गिर चुके हैं माँ बाप की कोई तमीज़ नहीं रही भाई बहनों का कोई एहतराम और शफकत नहीं रहा माल आ जाए जैसे आता है माल आना चाहिए जहां से आता है आना चाहिए आज हमारी कुल कायन का जो मदार और महावर है वो माल ही माल रह गया है अल्लाह ताला से दुआ है कि रब ताला हमें रबले सलीम अता फरमाए दूसरे नंबर पे अगर मुआरे में किसी शख्स के बारे में हमें खदशात लाक होते हैं कि ये हासिद आदमी है मेरी खुशियों से इसको जैलसी होती है हसद का शिकार हो जाता है तो ऐसे लोगों से हमने बचाव कैसे करना है सबसे पहले तो ये है कि हाशिद आदमी के शर से बचने के लिए अल्लाह की पनाह तलब करते रहे सद प्यारे नबी फरमा दीजिए कि मैं हसद करने वाले की हसद की शर से अल्लाह की पना तलब करता हूँ सुबह शाम के अजकार को मामूल बना लीजिए आप सुबह शाम के जब अजकार अपना लेंगे तो आप हम वक्त अल्लाह की अमान में आ जाएंगे और कायनात की कोई चीज़ भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी दूसरे नंबर पे अपने अंदर तकवा पैदा करें जलवत और खलवत में अल्लाह से डरने वाले बन जाए लोगों के सामने बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर देना लोगों के सामने अपने आप को बड़ा मुतकी और नेक और पारसा जाहिर करना मुझे भी आता है आप लोगों को भी आता है असल तकवा ये है गुनाह के असबाब भी मुयसर हो खलवत भी हो तन्हाई भी हो कोई देखने वाला नहीं है अगर ऐसे लम्हात में अगर हम गुनाह करने से बाज आते हैं उसकी वजह माशरे की जिल्लत और रसवाई का खदशा नहीं है बल्कि अल्लाह का डर है और ये इंसान के हकीकी मोमिन होने का मेयार और अदलील है कि वो खलवत में भी रब से डरता है जो लोगों के सामने जलवत में तो मुत्तकी बनता है लेकिन खलवत में तन्हाई में तमाम हुदूद को फलांग जाता है ये मुतकी आदमी नहीं है जब किसी आदमी के दिल में तकवा जन्म ले लेता है तो रब ताला कदम कदम पे अपने बंदों की हिफाजत फरमा लेते हैं और तीसरा काम यह है कि हम अपने अंदर तवक्कुल पैदा करें अपनी सोच ये बना ले अल्लाह पर यकीन कामिल होना चाहिए सारी कायनात मिलकर एड़ी चोटी का जोर लगा ले मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकती मेरा रत्ती बार भी नुकसान नहीं कर सकती अल्लाह पर यकीन कामिल हो और मुझे नुकसान वही आ सकता है जो मेरे रब ने मेरे मुकद्दर में लिख रखा है कुरान में रब ताला है, जो अल्लाह पर यकीन कामिल कर लेता है तवक्ल कर लेता है हर मैदान में रब उसको काफी हो जाता है और जिसको रब काफी हो जाए दुनिया उसको शिकस्त से दो चार नहीं कर सकती चौथे नंबर पर माशरे में रहते हुए अगर कभी कभार मसायब का सामना करना पड़ भी जाए बीमारियां जो है कारोबार में उतार चढ़ाव हो जाए अहलो याल में ऊंच नीच हो जाए मसायब पर परेशानी आने पे सबर का दामन थामे रखे कुरान का वादा है कि इन अला सबर करने वालों को अल्लाह का साथ मिल जाता है और जिसको अल्लाह का साथ मिल जाता है उसको कायनात की परवाह नहीं रहती और पांचवे नंबर पे हासिद आदमी के बारे में बिल्कुल सोचना तरक कर दे कई लोग हासिद आदमी की हरकतों सकनात को अपने असाब पे तारी कर लेते हैं यार वो बंदा आज मेरे अड्डे पे आया वो मुसलसल घूरता ही रहा मैं पैसे गिन रहा था वो मुझे देखता ही रहा हासीद आदमी की हरकत वकन को मुकम्मल तरक कर दें उसके बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है हासीद आदमी जिस आग में जल रहा है वो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते उसकी सजा के लिए यही काफ़ी है कि वो हसद में मुबतला हो चुका है इसलिए हासीद आदमी के बारे में बिल्कुल फ़िकरमंद होने की ज़रूरत नहीं है छठे नंबर पर उसका इलाज ये है कि आप अल्लाह की राह में सदकात करना शुरू कर दें दका खरात की बरकत से अल्लाह ताला इंसान पर आने वाले मसायब को आफात और बलाओं को टाल देते हैं और सातवें नंबर पर आपका हक ये बनता है दिल को बड़ा करें वसीु बन जाए और अगर किसी के बारे में पता चल जाए कि ये हासिद आदमी है मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता आप हासिद के साथ एहसान करना शुरू कर दें हाशिद आदमी के साथ हुसरे सलूक का मामला करें कुरान का वादा है मेरी और आपकी बात में फर्क आ सकता है कुरान की बात को झुटलाया नहीं जा सकता वलातस्तविल हसन वाले सही है नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती इदफा बिल्लती ही अहसन जो आपके साथ बुरा बर्ताव करता है आप उसके बुरे बर्ताव का अच्छाई से जवाब दें उसने सलूक करने लग जाए उसका फायदा ये होगा फैदल बहन का वह बहन अदावत जिस आदमी की आपके साथ अदावत है नफरत है दुश्मनी रखता है आपसे जब आप उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लग जाएंगे हमीम, वो आपका बड़ा जिगरी यार बन जाएगा और आठवें नंबर पे अपनी नेमतों को हासिदीन से छुपाना शुरू कर दे गुजा जुमे भी हमने गुजारिश की थी जनाब यूसुफ असलातलम ने जब अपने वालद मोहतरम जनाब याकूब अलीसलातम को बताया कि अब्बा जान मैंने रात ये ख्वाब देखा है बाप बाप भी है मुरबी और मुअल्लिम भी है और अल्लाह का नबी भी है अल्लाह की तरफ से नबी पे वही नाजिल होती है और अपने बेटे को ये तरबियत करते हैं यह बुनैया ला का ख्वाब अपने भाइयों को नहीं बताना क्यों फला लका कैदा वरना तेरे बाले में वो चालें चलना शुरू कर देंगे इसलिए इसका बेहतरीन इलाज यह है कि आप अपनी नेमते हतमकान हाशिदीन से छुपाना शुरू कर दें। रब